गुजरांवाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट बॉडी की तरफ से वर्बल रीजनिंग और अटेंशन पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार का मकसद स्टूडेंट की ब्रेन एबिलिटीज़ को टेस्ट करना था और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के तहत स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन और रीजनिंग को चेक किया गया। सेमिनार की मेहमान खसूसी मैम उमे लैला और मैम हाजा अमीन थी। इन्होंने स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया और इन्हें अपने दिमाग की सलाहियतों को उजागर करने की तरकीब भी बताई। गेस्ट स्पीकर हाजा अमीन का कहना था कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने अंदर वर्बल रीजनिंग की आदत को अपनाएं। आई थिंक इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट एज इन आवर एजुकेशनल सेटिंग्स इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड नॉलेज एज वेल एंड वर्बल रीजनिंग इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज इन दिस इंडिविजुअल हैव टू कंटेम्पलेट टू समराइज टू प्रिसाइज द होल लर्निंग पैटर्न एंड intelligently and precisely. So I think on this topic further workshops should be arranged by the students or by the institutions because it's a prevailing issue to talk about and to arrange such seminars and workshops on this. Jabki organizers ka kehna tha ki aaj ke students kisi bhi kaam ko bahut easy samajh lete hain, attention jaise topic ko select karne ka maksad inki zehni salahiyaton ko check karna tha. Attention basically jo hai wo cognitive function hai jo hamare human behavior ko bahut affect karta hai. Is topic ko humne isliye choose kiya था क्योंकि हमने अटेंशन या कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स की चेक करनी थी। उसके लिए हमने एक्टिविटीज़ भी करवाई और एक्टिविटीज़ में हमने देखा भी स्टूडेंट्स को बहुत इजी टॉपिक समझ रहे हैं लेकिन वो इतना इजी नहीं है। वो सिर्फ सरसरी निगाह से जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं लेकिन उसके डेप्थ में नहीं जाते, बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। गिफ्ट यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह अपनी स्टूडेंट बॉडी की सलाहियतों को बरोएकार लाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म देती है ताकि वो अपने अंदर के हुनर को पहचान सकें। मीडिया टीम के साथ सानिया फारूकी, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, गुजरांवाला।